वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 12 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 55 करोड़ से अधिक लोग आते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की मंजूरी दी है। सभी बुजुर्गों को irrespective of any income group, all have been included in Ayushman Bharat above the age of 70. और इसको हम अक्टूबर महीने में हम इसको लॉन्च कर देंगे। बीते 6 सालों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 37 करोड़ से अधिक लाभार्थी का आयुष्मान कार्ड बन गया है। योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 मेडिकल स्पेशलिटी पैकेज भी शामिल हैं, जिसमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, कैंसर, दिल की बीमारी शामिल है। इस योजना में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिनों तक जाँच, खाना और आने जाने की सुविधा दी जाती है। इस योजना से पूरे देश में 29,648 अस्पताल, जिसमें 13,049 निजी अस्पताल जुड़े हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक करीब 8 करोड़ से ज्यादा गरीबों को अस्पताल में भर्ती रहते हुए मुफ्त इलाज मिल गया है। इनमें 49% महिलाएं हैं। अगर बीमारियों की बात करें तो सबसे ज्यादा लाभ कैंसर, किडनी, दिल की बीमारी, जनरल मेडिसिन और गैस्ट्रो की बीमारी से ग्रस्त लोगों ने उठाया है। किडनी वो खराब होने के बाद फिर वो पाइप निकाला गया और डायलिसिस चालू कर दिया गया। डायलिसिस के दौरान मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे। आयुष्मान कार्ड की देन है, मैं उनका इलाज करा पा रहा हूँ। 73 दिन था मेरा बच्चा एडमिट और आयुष्मान कार्ड का मेरा पूरा आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ। उसमें मेरा पैसा नहीं लगा बिल्कुल हॉस्पिटल में। हम आर्थिक स्थिति से इतने मजबूत नहीं थे कि हम इलाज करा पाते बच्चे के, तो ज्यादा नहीं गया हूँ। केंद्र सरकार की इस योजना से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और खुश हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसकी पोर्टेबिलिटी है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अंतरराज्य पोर्टेबिलिटी की वजह से करीब 12 लाख लोगों को इलाज का लाभ मिला और करीब 3100 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। आयुष्मान भारत स्कीम 33 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में लागू है। अभी दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ये स्कीम लागू नहीं है। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है। आयुष्मान भारत योजना 23 राज्यों में ट्रस्ट मॉडल, 7 राज्यों में इंश्योरेंस मॉडल और 3 राज्यों में हाइब्रिड मॉडल में लागू है। गोपालगंज पुलिस ने जिले में आपराधिक